हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आश्रम वेब सीरीज की एक्ट्रेस बबता जी, जिनका रियल नेम त्रिदा चौधरी है। वो आज इनकी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप त्रिदा चौधरी के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है त्रिदा चौधरी और प्रोफेशन से एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। इनका फेमस रोल था टीवी सीरियल दहलीज में स्वादनिंता रामकृष्णम का। इनका जन्म 22 नवंबर 1989 को कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था और 2022 के हिसाब से आज इनकी एज 33 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'10", 5". इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिदा ने अपने स्कूल की पढ़ाई एमपी बिरला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने स्कॉटिश चर्च स्कूल कोलकाता से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है माइक्रोबायोलॉजी में। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिदा ने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ मॉडल की थी और इन्होंने कलकत्ता टाइम्स फ्रेश फेस 2011 विन किया है। उसी के चलते ही इन्होंने फर्स्ट टाइम बंगाली मूवी में डेब्यू किया था मिसावर रहस्यो, जो 2013 में आई थी, जिसको डायरेक्ट किया था श्रीजीत मुखर्जी ने। इस मूवी में इनका कैरेक्टर रिनिगा था और फिर इन्होंने लगातार दो बंगाली मूवियों में काम किया जिनके नाम हैं जोड़ी लव दिले ना प्राणे और खाद, जो 2014 में आई हैं। इन्होंने बंगाली के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। 2015 में इन्होंने तेलुगु मूवी में डेब्यू किया था सूर्य वर्सेस सूर्य से और इन्होंने हिंदी मूवी में डेब्यू किया है इनकी अपकमिंग मूवी शमशेरा से, जो 2022 में आने वाली है। और ये 2016 में स्टार प्लस के सीरियल दहलीज में भी आ चुकी हैं, जिसमें इनका रोल स्वादनिंता सिन्हा का था। तो हमको कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगती हैं। और ये लाइमलाइट में आई थी जब इन्होंने वेब सीरीज में काम करना शुरू किया। सन 2017 में इन्होंने फर्स्ट वेब सीरीज में डेब्यू किया था स्पॉटलाइट में। उसके बाद ये काफ़ी सारी वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं, जिनके नाम हैं सीजे होल्ड पाकी, दुला वांटेड, आश्रम, बैंडिस बैंडिस। और फर्स्ट टाइम म्यूजिक वीडियो में डेब्यू किया है इन्होंने धोखेबाज से, जो 2022 में आई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मोस्ट डिजायरेबल वोमेन लिस्ट के 13वें नंबर पर थी 2020 में। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम आशीष चौधरी है, इनकी मदर का नाम तृष्णा चौधरी है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं। तो ये अभी अनमैरिड हैं और इंटरनेट पर ऐसे रूमर हैं कि ये आकाश चटर्जी को डेट कर रही हैं, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर हैं। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको रीडिंग, डांसिंग, स्विमिंग करना काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट क्विज हैं बंगाली, फेवरेट एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, फेवरेट एक्ट्रेस हैं माधुरी दीक्षित, फेवरेट स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो इनका अपना फैमिली हाउस कोलकाता में है और अभी ये मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में एक लग्जरीज अपार्टमेंट में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है मारुति सुजुकी सियाज, सेकंड कार है रेंज रोवर बॉक। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 80 लाख रुपये पर मूवी चार्ज करते हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 1 मिलियन US डॉलर है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 7.5 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी त्रिदा चौधरी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।